हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल माइंड ट्रेड्स में। और आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे पता लगाएं कैंडल्स को देख के जो कि अप ट्रेंड जाने वाला है और डाउन ट्रेंड जाने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल संपूर्ण बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो मुझे विशेष की है ना, जो बर्थडे पर, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल नहीं पता था आप लोग इतनी मात्रा में मुझे विश करोगे, और सच में आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा उमड़ा। मुझे फ़ख्र है कि मेरे पास आप लोग जैसे दोस्त हैं, और मुझे बिल्कुल कहने में बिल्कुल वो महसूस नहीं होता कि यार कितने अच्छे हो तुम लोग। यार भाई, हैंग गॉड यार, तुम लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, कमेंट्स भर दिए बिल्कुल। तो इसको छोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बस इतना ही चाहता हूँ। और तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको देखो पता लगाना होता है। देखो, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, ओके? बिल्कुल नेचुरल तरीके से बताऊँगा, फालतू का ज्ञान नहीं झाड़ूंगा, ठीक है? और ट्रेड भी लेंगे हम, ठीक है? ध्यान से। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि मार्केट चल कहाँ रहा है, अप में चल रहा है या डाउन में चल रहा है। तो उसके हिसाब से ही आप पहले से ही पता लगा सकते हैं कि कब आपका मार्केट नीचे जाएगा और कब आपका मार्केट ऊपर जाएगा। देन मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ तरीके से मार्केट ऊपर की ओर चल रहा है, एज यूजल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? और अभी ये पे यहाँ पे जो गैपिंग हो रही है, ये इसे कहते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। मैंने पहले ही बताया कि एक ही जगह पे मूविंग करते रहे, एक ही जगह पे, समझ रहे हो ना, एक ही जगह पे यहाँ मूव करता रहे, तो उसे कहते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। जहाँ पे आपको पैसे लगाने ही नहीं है, चाहे 10 घंटे इंतज़ार करो, चाहे 20 घंटे इंतज़ार करो, पैसे मत लगाओ, ऑलरेडी डूब जाएंगे, ठीक है? और फिर ज़्यादा पैसे हैं तो फिर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेशेंस नहीं है तो फिर भी लगा सकते हो, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको देखो, हाँ, और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, आज मार्केट हम एक मिनट पर रखेंगे, और ये एक मिनट की स्ट्रेटजी है, कोई भी टाइप स्ट्रेटजी नहीं है, तो यहाँ पे रिलेट मत करना, ओके? देखो, अब हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको फिगर समझ में आए। देखो, ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट शेट यार, नॉर्मल तरीके से समझाएंगे। देखो, ये बन गई है, ये इसको कहते हैं मदर कैंडल। क्या कहते हैं? मदर कैंडल। इसको कहते हैं चाइल्ड कैंडल, ओके? तो देखो, जब भी देखो, अब जैसे ये है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये देखो रेड को क्रॉस कर रही है। देखो, यहाँ पे जो ख़त्म तो हुई नहीं पूरी तरीके से, और ऊपर की ओर बन गई है। मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है? कलर चेंज कर लूँ जिससे कि आपको साफ दिखे, ये ठीक है, क्योंकि मैच हो रहा था कल। देखो, जो ये चीज़ है आपको दिख रही होगी, ये चीज़ जब बहुत बड़ा पैमाना ले, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर ले हो जाए, जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये, तो इसके बाद हमेशा रेड कैंडल्स आएंगी, हमेशा रेड कैंडल्स आएंगी, और वो अप बढ़ रहेंगी, ठीक है? समझ गए हो? इसके बाद हमेशा रेड कैंडल्स आएंगे। अब देखो, ये रेड हो गई, अब ये रेड है, और ये ज़्यादा शेप क्रिएट नहीं की है, ना बड़ी हुई है ना छोटी हुई है, तो इसके बाद हमेशा ग्रीन कैंडल आएंगे। अब पैटर्न बनता है कभी कभी, देखो ऐसे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, देन यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको देखना है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आपको देखना है रेड रेड रेड, समझ गए ना? आपको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपको देखना है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आपको देखना है रेड रेड रेड, समझ गए हो? बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली ही देखो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे देखो मार्जिन भी आपको देखना है। देखो, ये मार्जिन आपको दिख रहा है, और यहाँ पर फिर आपको रेड, ये रेड, फिर ये एक रेड, इस जगह ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर हो, काफ़ी ज़्यादा नीचे हो, फिर आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं, देखो इसको करते हैं एक मिनट पे सेट,
और वही टाइमिंग रहेगी 1 मिनट की। और जैसे कि आप मैंने बोला है यहाँ पे, अभी देखो इसने आधी अधूरी कैंडल छोड़ के छोड़ दी, तो अब मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि इसने उस जो पहले वाली कैंडल है उसको क्लियर नहीं किया, उसने उसको क्लियर किया ही नहीं और वो ऊपर चढ़ गई। तो मतलब अब 2 मिनट तक मार्केट ऊपर रहेगा, 2 मिनट तक मार्केट ऊपर रहेगा, आप ऊपर ट्रेड ले सकते हो। देन अभी हम 1 मिनट और रुकेंगे क्योंकि देखने के लिए, अगर रेड बनती है तो आप रुक जाइए, अगर रेड नहीं बनती है और फिर से इसके बाद ग्रीन बनी, 3 के बाद फिर ग्रीन बनी, तो आपको ट्रेड लेनी है। पैटर्न समझ गए होंगे, 3 के बाद अगर फिर ग्रीन बनी तो आपको ट्रेड लेनी है। मतलब एक ग्रीन बन गई, फिर एक और ग्रीन बन गई और फिर एक और ग्रीन बन गई, 3 ग्रीन बन गई, तो चौथी ग्रीन ही बनेगी और वो ऊपर ही बनेगी। अगर वो देखो नीचे जा रहा है तो रेड बनेगी, ऑब्वियसली रेड बनेगी ना, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझो उस बात को, समझो बात की गहराई को समझो, ठीक है, बहुत डीपली समझा रहा हूँ। देखो अभी देखो 1, 2, 3 रेड बन गई, ठीक है, तो नहीं लेंगे हम ट्रेड ना, यहाँ पे लॉस हो जाता अभी। अब ये 1, 2, 3 फिर से रेड बने और इसके बाद फिर रेड रेड ही बनेगी, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब देखो ये 1, 2 और एक और का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बैलेंसिंग पॉइंट क्रिएट हो रही है यहाँ पे। मतलब ये है देखो पेशेंस की बात, यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अगर आपका पेशेंस नहीं है तो यू हैव लॉस्ट, ओके, आप अपने पैसे लॉस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे ये बन गई है और हाँ अब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, 1 मिनट ख़त्म और ये रेड बनी, ठीक है, ये रेड बनी। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने 2000 रुपये लगा दिए हैं, अब ये विन होगी, ऑब्वियसली विन होगी क्योंकि इसने 1, 2, 3 पे रेड बना दी और ये विन होगी। अब वेट करो आराम से, कुछ मत देखो वहाँ पे, मत देखो वो ग्रीन हो रही है, वो रेड ही होगी, देख लेना आप, रेड ही होगी, मत देखो, ऑब्वियसली मत देखो, समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, और वो रेड होगी, आप देख लेना। जाने सार है जाने सार, सॉरी गाना गाने लगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बोला था जैसा कि समझ रहे हो ना, तुम्हारा भाई हमेशा अच्छी ट्रिक लेके आता है, ठीक है, फालतू की बकवास करता ही नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सामने दिख ही लिया होगा, इसे कहते हैं पेशेंस। अब मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा और ट्रेड देख के भी आपको समझ में आ गया होगा, बस अच्छे से समझना फिर ही पैसे लगाना। 10 बार देखो, 20 बार देखो, अच्छे से समझ के पैसे लगाना, समझ में नहीं आए फिर से देखना वीडियो और सर्च करो, और तुम लोगों को लगता है मेरा समझ में नहीं आता तो कहीं और से समझ में आया, लेकिन पैसे मत डुबाना बस, ठीक है। और सबसे पहले एटीट्यूड लेके आओ अपने अंदर, ऐसा एटीट्यूड नहीं कि किसी से बात नहीं कर रहे, जे नहीं, ऐसा एटीट्यूड कि जीतने की ख्वाहिश रखो, हमेशा जीतोगे। आपने सामने देखा बिल्कुल लाइव मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3 अगर रेड बन रहा है तो रेड ही बनेगा, ठीक है, 1 मिनट की टाइम पे रेड ही बनेगा, अगर ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन ही बनेगा, ठीक है, इससे अच्छे से और कोई नहीं समझा सकता, आप खुद देख लेना, बहुत YouTube पे वीडियोस हैं, आप और भी जगह देख सकते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर रहा हूँ तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा के जाना, सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी, थैंक यू।